तो यहाँ मेरा पैकिंग चल रही है, यहाँ मैंने मेरा बुक्स ले लिया है, यहाँ है मेरा असाइनमेंट जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुक्स, फेमस वाला कप, मेरे एग्जाम पैकिंग इज डन ऑलमोस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं और सोनू जा रहे हैं मार्केट थोड़ा, क्योंकि कल मैं यहां से निकलने वाली हूं बेंगलुरु के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मैं सोनू को भी आज साथ में लेकर जा रही हूं, क्योंकि पापा घर में नहीं है। अभी हम लोगों को यहाँ से चल के मोड़ तक जाना है, वहाँ से हम लोगों को टोटो पकड़ना है। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस कुछ ही काम है, वो काम निपटा के हम लोग चले आएंगे। आज हम लोगों का मूवी देखने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो अभी हम लोग सिर्फ मार्केट ही जा रहे हैं। जोर से बोल, नहीं बोलता, बोल ना यार, कर लेगा कुछ नहीं। इसको मैंने बोल के रखा था कि आज हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो ये स्कूल से आज ज्यादा देर ज्यादा जल्दी से आ गया ये, है ना? मुझे पता था कि वो लास्ट मोमेंट तक कैंसिल हो ही जाएगा, और कैंसिल हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं कल निकालने वाली हूँ। वैसा उतना दूर तक उतना टाइम लेके घूमने का मेरा भी टाइम नहीं था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये स्कूल से आने के बाद ही मुझे कॉल किया था कि आ तू जाएगी, मैंने कहा कि नहीं मूवी देखने का प्लान तो कैंसिल हो गया। फिर वापस से उसको फ़ोन करके मैंने बोला कि हम लोगों को मार्केट जाना है, मार्केट जाएगा, उसने बोला हाँ, तो फिर हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने और सोनू ने एक जैसा कैप पहन लिया है, धूप है लेकिन ज़्यादा धूप नहीं है, चल सकते हैं, ऐसा धूप है। अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और पूरा थक गई हूँ। सोनू अगर तुझे प्यास लगे तो मुझे बोलना, मेरे पास पानी है, ठीक है? ओके, बाय द वे मेरा टिकट तो हो गया है, अभी हार्ड कॉपी पापा लेकर आएंगे शायद। वापस आने के बाद मुझे फिर बैग पैक करना है। टोटो का लोग किधर है? ए टोटो का कार अच्छा बना चीती है वो। मिल गया हम लोगों को टोटो आने की, अब हम लोग जा रहे हैं बना चीती। फर्स्ट टाइम सोनू के साथ, क्या कभी लोग रह जाओ? अच्छा, ठीक तरह से पकड़ा। तो हम लोग अभी पहुंच गए, लेकिन आज फिर मैं माइक ले आना भूल गई, तो अभी जाते हैं। तो आज स्पेशली मैं आई हूँ, मेरा कुछ वॉच ठीक करवाना है, उस बैटरी शायद खराब हो गया है और वॉच शायद खराब हो गया होगा, पता नहीं, तो उसको मुझे सही करना है। और कल मैं निकलने वाली हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत चीज़ें लेना है, तो वही लेने के लिए आई हूँ। मार्केट बहुत ज्यादा खाली खाली सा रहता है, इसलिए मैं दोपहर को आना प्रेफर करती हूँ। मुझे दुकान मिल गया घड़ी का, रुक तेरी, लोगों को रास्ता क्रॉस करना है, रुको, चलो आ जाओ, चल 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 चल। एक घड़ी का हो गया काम, और ये दोनों ही ठीक करना था, साइज से छोटा सभी आती है, लोगों की सभी आती है, राजी को अभी मैं सोनू को लेकर एक मॉल में जाती हूँ, वहाँ से घूम के आ जाती हूँ। मुझे यहाँ से कुछ पसंद आ रहा है, अगर पसंद भी आ रहा है दिला नहीं सकते, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हम लोग सिर्फ अभी यहाँ घूमने के लिए आए हैं, लेना कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैं नहीं लूँगी बोलकर कुछ ले लिया है, कल तो मैं निकल रही हूँ तो इसलिए ट्रेवल के लिए थोड़ा बहुत ले लिया है। उतर नीचे उतर। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, और यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे लस्सी पीने के लिए, है कि नहीं? ठीक है, चलो लस्सी पी लेते हैं। और मेरा वो वाला जो ऑइंटमेंट है ना फेस में लगाने के लिए, वो ले लूँगी, और क्या, और एक वाइप लेना है फेस को साफ करने के लिए, वो लेना है। तो चलो
का दुकान उधर मिल गया। चलो रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। की लस्सी आ जाएगा को चको लस्सी दाओ एक मैंगो लस्सी दाओ। टेस्ट करके बता कैसा है। हाँ जैसा होता है वैसा ही है। फ्लेवर का कुछ चेंज नहीं है। चॉकलेट का है थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ मुझे एक बार टेस्ट करने देना ठीक है। अब मुझे थोड़ा टेस्ट करने दे मैंगो लस्सी का जिसमें फ्लेवर का पता चल रहा है पता है। हाँ हाँ जबरदस्त है खाने में। मुझे एक बार तेरा टेस्ट करने दे तो अच्छे टेस्ट तेरा टेस्ट। कैसा पूरा मैंगो जैसा ये देखो टना टना बढ़िया है। लस्सी अभी तक खाना नहीं हुआ तो थोड़ा जल्दी खा यार। गर्मी में पूरा हालत खराब हो गया है। सोनू तेरा ठीक है हालत। मेरा तो सही नहीं है एकदम ही। चलो हम लोगों का सारा शॉपिंग वॉपिंग हो गया लस्सी भी पी लिया सब कम हो गया। लेकिन जो ग्रॉसरी आइटम या कुछ खाने का आइटम लेना था वो अभी के लिए दुकान बंद है तो पापा ही लेकर जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं ही ले लूँगी लेकिन मुझे वो खाने का चीज़ भी नहीं मिला क्योंकि दुकान बंद है। सिर्फ ड्रेसेस की दुकान छोड़ के बाकी सब दुकान बंद है और मेडिसिन भी लेना था वो भी बंद है तो पापा बाद में आके ले लेंगे। सुनो ले लिया एक कुरकुरे लेकिन मुझे एकदम ही खाने का मन नहीं कर रहा है तो इसलिए मैंने कुरकुरे कुरकुरे कुछ भी नहीं लिया। मैं चावल भी मैं नहीं खा के आई हूँ घर जाके मुझे खाना है। हेलो सुंदरी मुंदरी तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। तो सुनो यहाँ हॉल्ट करके पानी पी रहा है। सब पानी ख़त्म मत करना मेरे लिए थोड़ा रख देना। आज मैं अभी यहाँ सोनू के साथ टहल रही हूँ और कल मैं अभी रास्ते में होंगी। सोनू के पास अभी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि मैंने सोनू को कहा है कि जाने के बाद हम लोग टहल के जाएंगे चल के जाएंगे कोई टोटो वोटो नहीं करेंगे इसलिए सोनू का हालत पूरा खराब हो गया है। लेकिन मैं कर रही हूँ टोटो मैं करूँगी मेन रास्ते तक जाने मैं ज़रूर टोटो करूँगी। इतना देर मत कर घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है ठीक है। इस टोटो वाले से पूछता है नहीं इसमें लोग हैं फाइनली हम लोगों को टोटो मिल गया सोनू को राहत मिल गई। चलो उधर खिसक। हाँ चलो हो गया शांति मिल गई तुझे। सच्ची में पैर का हालत पूरा खराब हो रहा था धीरे धीरे। चल तो मैं सकती थी लेकिन मैं भी चल सकता था। नहीं नहीं जी बाद में जाके बहुत ज़्यादा दर्द होता तो इसलिए ज़रूरी है टोटो कर लेना। मैं सोच रही थी कि घर तक मैं चलती ही जाऊँगी लेकिन नहीं हो सकता था मुझसे तो उस टोटो वाले से मेरा ना थोड़ा पंगा हो गया। जितने पैसा नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा ले लिया उसने। बाय द वे रिस्क हूँ। चलो घर तो आ गई अभी मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ फिर मैं बैठूँगी पैकिंग करने के लिए क्योंकि एग्जाम्स के जो भी सामान हैं मतलब असाइनमेंट्स हो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुक्स एंड बुक्स जो भी है वो सब मुझे पहले पैक करना है क्योंकि वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसके बाद बाकी का जो भी सारा चीज़ें होगा सब मैं पैक कर लूँगी फिर मैं बैठूँगी एडिटिंग करने के लिए। अभी शाम के 7 हो रहा है अभी तक मैंने मेरा बैग पैक नहीं किया क्योंकि मैं घर ही आई 4:30 बजे तक और उसके बाद पापा आए घर में पापा नहीं थे। पापा के साथ कुछ देर बातें की फिर क्या क्या लेके जाना है क्या क्या नहीं लेके जाना है वो सब के बारे में थोड़ा बातें कर रही थी। गुड़िया के बारे में थोड़ा पापा को बोल रही थी कि क्या क्या कर रही थी क्या क्या नया सीखी है उसने तो ये सब कर रही थी। और अभी मैं बैठ के मेरी एडिटिंग कर रही हूँ। कुछ देर बाद ही मैं मेरा बैग पैक करूँगी सब कुछ लिस्ट करके रखा है मैंने सब कुछ घर में ही है ज़्यादा कुछ भी लेके नहीं जाना है तो बस और कुछ देर बाद ही मैं पैक करने के लिए बैठूँगी। हेलो मेरे
बिना डीने बिना सब कुछ हो गया है। मेरा जो भी बुक्स चाहिए था वो मैंने ले लिया है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुक्स, असाइनमेंट्स एंड जो मेरा दो बुक्स है वो सब रेडी कर लिया है मैंने। अब जो भी पैक करना है वो मैं कल सुबह को उठ के करूँगी, क्योंकि अभी मुझसे और इस रूम में रहने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कल रात परसों रात दोनों रात में मतलब ठीक तरह से नींद नहीं आएगी मुझे, ठीक तरह से नींद पूरी नहीं होगी, इसलिए आज मैं थोड़ा अच्छे से सो लेती हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद और बहुत सारा काम है, कल सुबह उठ के काम है। तो यहाँ मेरा पैकिंग चल रही है, सुबह हो गई है, यहाँ मैंने मेरा बुक्स ले लिया है, यहाँ है मेरा असाइनमेंट्स, वहाँ है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुक्स एंड जो भी बुक्स है मेरा, यहाँ है बॉर्नविटा कुछ और चादर वादर, टावल, ये मेरा फेमस वाला कप और यहाँ कुछ खाने का सामान और यहाँ है मेरा पहनने का सामान, इसमें है मेरा जूता, उसमें है मेरा यूनिफॉर्म, यहाँ मेरे कुछ टी शर्ट्स वगैरह रखा है जो मैं वहाँ जाके पहनने वाली हूँ। और बाकी ऑलमोस्ट पैकिंग मेरा ख़त्म हो चुका है, यही एक ट्रॉली हो रहा है मेरा, बाकी जो भी सामान लेना है वो मेरे स्कूल बैग में रहेगा, जो मेरा पीठ का बैग होगा उसमें रहेगा और बाकी एकदम पैकिंग इज डन। तो पापा मेरे लिए अभी कुछ दिनों के लिए मेडिसिन का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, मुझे सिर्फ चाहिए होता है वॉमिटिंग का, थ्रोट पेन का, फीवर का, पेट खराब होने का जो मेडिसिन होता है वो इमरजेंसी है मेरे लिए। तो मेरा बैग पैक करना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अभी मैं नीचे जाती हूँ, अभी तक बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, अभी हो रहा है दोपहर के 1:30, अभी तक मैंने नहाया नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है मेरा ऐसे ही है कि मैं लास्ट मोमेंट में जाके सब कुछ एक साथ करती हूँ और तभी जाके मुझे राहत मिलती है। पता है अगर मैं आराम से बैठ के करूँगी तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि कुछ शायद कुछ छूट गया होगा, ऐसा फील होता है। अगर मैं जल्दी मैं निकलती हूँ हर एक काम के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने सब काम किया है, सब कुछ ले लिया है, ऐसा होता है। तभी मैं नीचे जाती हूँ, पापा को और भी कुछ डालना है मेरे बैग में और फिर मैं नहा लेती हूँ, फिर लंच भी करना है। मुझे ना ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि मैं आज बहुत दूर तक जाने वाली हूँ, बेंगलोर जाने वाली हूँ, कोई मतलब वो दुख सा भी फील नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं फील हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैं 10-15 दिन बाद ही वापस आ जाऊंगी इसलिए। तो यहाँ मेरा एक ट्रॉली एकदम रेडी होके तैयार होके बैठा है और इधर और भी एक है मेरा बैग और यहाँ कुछ खाने का सामान है। चलो फिर आज इसके साथ साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ, नेक्स्ट जो जर्नी होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से हम लोगों को कहीं और जाना है, वहाँ से जाके हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है। तो ऑन दैट नोट आज इसके साथ साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आई हो। मेरे एग्जाम पैकिंग इज डन ऑलमोस्ट, अभी बस कुछ देर बाद ही निकलने वाले हैं हम। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे बड़ा सा एक सपोर्ट कर देना। Bye, see you in the next one. Till then, take care.